आज हम देखेंगे सिस्क और रिस्क के अंदर डिफरेंस। देखो यहाँ पर कुछ 7 डिफरेंस दिए गए हैं और 5 इस साइड पे दिए गए हैं, मतलब टोटल 12 डिफरेंस देखेंगे हम क्या होते हैं। सबसे पहले रिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क की कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बहुत ही सिंपल है। और सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, जो रिस्क प्रोसेसर होता है उसके पास सिंपल इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको क्या है सिर्फ एक क्लॉक साइकिल चाहिए होती है, और इनका जो CPI यानी कि क्लॉक पर साइकिल इंस्ट्रक्शन क्या होता है 1.5 होता है। लेकिन जो सिस्क होता है, जो प्रोसेसर सिस्क होता है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिस्क, और उसका जो CPI है 2 और 15 के बीच में होता है, और उसको मल्टीपल क्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूशन के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या है, इसकी जो रिस्क की जो परफॉर्मेंस है इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है विद मोर फोकस ऑन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्क के अंदर क्या है, विद मोर फोकस किसके हार्डवेयर के ऊपर दिया जाता है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या है, जो रिस्क है इसके अंदर कोई मेमोरी यूनिट नहीं होती, और ये क्या इसको ये यूज़ करता है सेपरेट हार्डवेयर इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को, लेकिन सिस्क के पास एक मेमोरी यूनिट होती है इंप्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को। फिफ्थ पॉइंट में के अंदर क्या है, इसके पास एक हार्डवायर्ड यूनिट होती है प्रोग्रामिंग की, इसके पास एक माइक्रो प्रोग्रामिंग यूनिट होती है। मल्टीपल रजिस्टर सेट प्रेजेंट होते हैं रिस्क के अंदर, और सिस्क के अंदर हमारे क्या होते हैं सिर्फ एक सिंगल रजिस्टर सेट होता है। जो रिस्क प्रोसेसर होता है वो हाईली पाइपलाइंड किया जाता है, और जो सिस्क प्रोसेसर होता है वो मेनली क्या होता है पाइपलाइनिंग उसके अंदर कम होती है या थोड़ी बहुत ही होती है अगर होती होगी तो। एट नंबर में क्या है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है रिस्क का वो बहुत ही कम है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम सिस्क का बहुत ज़्यादा है। जो डिकोडिंग है इंस्ट्रक्शन की वो सिंपल होती है रिस्क के अंदर, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्स होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिस्क के अंदर। जो रिस्क होता है उसमें वो क्या है उसको रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल मेमोरी की, इसके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कैलकुलेशन के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट इसके पास होती है कैलकुलेशन के लिए मेमोरी की सिस्क के अंदर। कॉमन रिस्क माइक्रोप्रोसेसर के एग्जांपल दिए गए यहाँ पर अल्फा, आर्क, आर्म, पिक एट्सेट्रा, और कुछ कॉमन एग्जाम्पल किसके दिए गए हैं सिस्क के, जो वैक्स, मोटोरोला, 68000 फैमिली, AMD एट्सेट्रा। जो रिस्क आर्किटेक्चर है उसका यूज़ किया जाता है, हाई एंड एप्लीकेशंस दी गई हैं कुछ रिस्क की, जैसे कि वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर, टेली कम्युनिकेशंस के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। और जो सिस्क की यहाँ पर जो आर्किटेक्चर होता है उसका एप्लीकेशंस दी गई यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम में, होम ऑटोमेशन में, और एट्सेट्रा।